हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इन फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं आपको सोनभद्र के हाथी नाला जगह पे लेके आया हूं। यहां पे वन विभाग द्वारा संचालित इको डाइवर्सिटी पार्क है। बहुत ही शानदार पार्क है। यहाँ पर बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। आज मैं सोनभद्र से निकला तो मैंने प्लान किया कि आज मैं हाथी नाला स्थित इस पार्क में ज़रूर जाऊंगा। यह वन विभाग इसे संचालित करता है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि इस समय बरसात का समय चल रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। तो मैंने सोचा अपने मित्रों के साथ इस तरीके के खूबसूरती को वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। सोनभद्र में बहुत ही शानदार जगहें हैं, जिनमें से इको डाइवर्सिटी पार्क भी है। इस पार्क में मैं अपने मित्रों के साथ आया हूं। इस पार्क को मैंने पूरे विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। धीरे धीरे इस पार्क की एक एक चीज़ों पे प्रकाश डालते हुए आपको मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक नहर है जिसके ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है। यह ब्रिज पैदल चलने वाले पर्यटकों के लिए है, जो यहाँ आएं और यहाँ की खूबसूरती को कैमरे में कैद करें, अपनी फ़ोटो लें, अपनी बढ़िया वीडियोग्राफी करें। यह मैं आपको सामने दिखा पा रहा हूँ कि यह जो पानी गिर रहा है वो प्राकृतिक रूप से एक झरना नहीं है, इसे एक कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ एक झरना मान सकते हैं। यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हैं यह बरसात का इकट्ठा पानी है, जो धीरे धीरे झरने के रूप में नीचे गिर रहा है और यहाँ बहता हुआ जा रहा है। लोग यहाँ पे मछली भी मारते हैं, मछली पकड़ी जाती है, मत्स्य उत्पादन भी होता है। मैं आया था तो सोचा कि आप सभी को इसे ज़रूर दिखाऊं। यहाँ पे जगह जगह पे इस तरीके से दीमक द्वारा बनाई गई पीठे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो जंगल में आपको दिखाई दे रही हैं। यह पार्क एक जंगल की तरह है, बहुत अच्छे एडवेंचर हैं। आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत ही अच्छा, शोरगुल से दूर यह पार्क शांति का बहुत ही अच्छा केंद्र है। यहाँ पे बंदर, लंगूर, मोर ये सब यूं ही देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इस पार्क के प्रमुख जगह पे, जिसको कह सकते हैं खूबसूरत जगह है, थोड़े से दूर में जो दूब घास का प्लांटेशन है, लोग बैठते हैं यहाँ पर, टेबल, ब्रेंच और कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यह कुर्सियाँ स्थाई रूप से यहाँ लगी हुई हैं, बनाई गई हैं। लोग यहाँ आते हैं तो अपना समय यहाँ व्यतीत करते हैं और वह समय अपनी यादों के साथ लेके जाते हैं। आज हम सब यहाँ आए हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बारीक से बारीक जगह मैं आपको वीडियो के माध्यम से खा पा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने के लिए कुछ खिलौने के फॉर्म में आपके झूले हैं और सरकने के लिए है, तमाम चीज़ें हैं। जो मैं दिखा पा रहा हूँ ये सब बहुत ही अच्छे पुराने वृक्ष हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए यहाँ चारों तरफ फेंसिंग भी है। ये दीवारों पे बढ़िया
आकृतियां उकेरी गई हैं। सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ ग्रिल लगाई गई है ताकि कोई उसमें गिरे ना, काफ़ी गहरा वहाँ पे पानी है। यहाँ पानी साइड में इकट्ठा होता है, उसके बाद झरने के रूप में जो मैं झरना दिखा पा रहा था, ये देखिए जो पानी है यहाँ इकट्ठा होता है, ये बरसात का पानी है और इकट्ठा होता है, फिर इसके बाद धीरे 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 झरने के रूप में जो है गिरता है, जो नीचे से जब आप वहाँ सामने जो ब्रिज है वहाँ से जब देखेंगे तो ये आपको झरने के रूप में पानी दिखाई देगा। सोनभद्र में प्राकृतिक बहुत ही प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, खूबसूरत जगहें हैं। वन विभाग ने इसे डेकोरेट किया है, सजाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी सजावट के लिए धन आवंटित किया था। यह स्थायी रूप से ब्रेंचे हैं, यहाँ लोग बैठते हैं। अब हम इस पार्क में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं इस पार्क में आगे आपको ये पशुओं को दिखा पा रहा हूँ जो भागते हुए आपको लंगूर दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लंगूर हैं, बंदर हैं। जब आप आएँ तो थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखते हुए यहाँ पे टहलें, घूमें, ये झूले बच्चों के लिए। यहाँ पे आप सबको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आना चाहिए और अपना कीमती समय यहाँ पे बिताना चाहिए। और यहाँ आपको जो समय बिताएंगे बहुत ही आनंद आएगा। अब मैं धीरे धीरे आपको इस पार्क के दूसरे छोर की तरफ ले जा रहा हूँ। और यहाँ देखिए बीच बीच में जो रास्ते बने हैं, यहाँ बेंचें लगी हुई हैं ताकि किसी को थकावट हो या कुछ अपना समय बिताना चाहें या रुकना चाहें तो यहाँ बैठ के अपना कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। नहर के दूसरे तरफ सड़क है और बीच इधर नहर है जिसको फेंसिंग से जो है रोक दिया गया ताकि कोई उसमें गिरे नहीं, किसी तरीके की किसी कोई कैजुअलिटी ना हो। ये काफ़ी गहरी नहर है, यह पानी रोका हुआ पानी है, जो बरसात का पानी आता है इसे रोक लिया जाता है। और फिर धीरे धीरे यह 12 महीने यानी साल भर वो झरने के रूप में जो है धीरे धीरे पानी जो है गिरता है। इको डाइवर्सिटी पार्क में जो है बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पर जो है कत्था का पेड़ है जो काफ़ी कीमती पेड़ माना जाता है। यह एक शिला है। इसी तरह हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं। और मैं आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह नहर दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी जो है बढ़ गई है नहर, जो है काफ़ी चौड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे। यह काफ़ी गहरी है। जब आप आएँ तो थोड़ा सुरक्षा के साथ इस मार्ग पे गुजरें। हालांकि यहाँ पे जो तारों द्वारा फेंसिंग की हुई है, आपको किसी तरीके की असुविधा नहीं होगी, तो मगर फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ें। अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ आगे एक तितलियों का पार्क है, जहाँ पे जब सीजन होते हैं, ठंडी का समय आता है, जब गर्मी का बसंत गर्मी आती है, बसंत ऋतु आती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में तितलियाँ होती हैं। मगर अभी बरसात का समय है, अभी आपको यहाँ तितलियाँ नहीं दिखने को मिलेंगी, मगर तितलियों के लिए पार्क जो है सुरक्षित है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की तितलियाँ जो हैं हमको देखने को मिलती हैं जब हम उनके सीजन में आते हैं। यह वही पार्क है। यहाँ पे बगल में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे वह बोर्ड विभिन्न प्रकार की तितलियों को मतलब दर्शाता है, जो मैं अभी आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। इस बोर्ड में आप देख रहे हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार की तितलियाँ हैं, बहुत खूबसूरत आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम जो है इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे हैं और एक टावर पे हम आपको चढ़ के दिखाएंगे। वहाँ से जो है इस पूरे पार्क को, पूरा पार्क आप ऊपर से देख सकते हैं, पूरे ओवरव्यू देख सकते हैं इसका।
अब धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को काफ़ी देर हो गई है यहाँ घूमते हुए। अभी जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं अच्छे ढंग से बनाई गई हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, चाहे वह बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी चढ़ने में। थोड़े थोड़े आराम और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि दोनों तरफ देखिए कितनी हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत ही सुंदर यह दृश्य है। यह मैं चारों तरफ आपको इस कैमरे को घुमा के मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे बरसात का समय है, आर्द्रता बढ़ी हुई है, नमी है यहाँ की हवा में, जिसकी वजह से काफ़ी उमस बढ़ी हुई है। काफ़ी देर रुकना यहाँ पे आरामदेह नहीं है, थोड़ा सा या बरसात के समय में इस तरीके की समस्या है। फिलहाल मैं आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे टावर से जो है आपको पूरे पार्क का ओवरव्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा तालाब बनाया गया है ताकि इस पार्क में जो पशु पक्षी हैं वह पानी पी सकें। इस तरीके से हम लोग धीरे 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 इस टावर के पास आ गए हैं। इस टावर पे लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। तो आप भी सोनभद्र में अगर रहते हैं तो सोनभद्र में जब आप घूमने के पर्पस से निकलें तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएं। और मैं सोनभद्र से बाहर रहने वाले लोगों का आह्वान करता हूँ कि जब आप सोनभद्र आएं तो इस डाइवर्सिटी पार्क में ज़रूर आएं। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। मैं इस टावर पे चढ़ गया हूँ और इस टावर से मैं आपको पूरे पार्क का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। यह काफ़ी ऊँचाई पर है और देखिए आपको इस प्राकृतिक खूबसूरती को इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। यह टावर सीमेंटेड टावर है। आप यहाँ पे जब भी आएँ तो इस पार्क में पूरे पार्क को एक बार आप घूमें। थोड़े देर रुकने के बाद हम सब अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग इस पार्क से जो है बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यह रास्ता अब हम लोगों को इस पार्क से बाहर की तरफ कर देगा। इस पार्क में हम लोग आए हैं, हम लोग को इतना अच्छा लगा कि पूरी तरीके से एक एडवेंचर हो गया। हम लोगों को यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम किसी वन अभयारण्य क्षेत्रों में जाते हैं जो काफ़ी जंगल हैं। जंगलों में जिस तरीके से घूमने में आनंद आता है उसी तरीके से यहाँ भी हम लोगों को बहुत आनंद आया। यहाँ किसी भी तरीके के खतरनाक कोई जानवर नहीं है, केवल प्रकृति की गोद में प्रकृति का आनंद आप ले सकते हैं। पूरे परिवार के साथ आप यहाँ आएँ और बहुत ही खूबसूरत इस जगहों का आनंद लें। यह दूसरी टावर जहाँ से अब आप इसका ओवरव्यू पूरा देख सकते हैं। इस तरीके के कई टावर हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब बहुत कीमती जो है वृक्ष हैं, यह खैर का पेड़ है। इस तरीके से कई सारे यहाँ पर पेड़ ऐसे हैं जो बहुमूल्य हैं, जो बहुत कम देखने को भी मिलते हैं। यह देखिए आसन का वृक्ष, इस तरीके से बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पे। यह मैं आपको सामने जो दिखा पा रहा हूँ वन विभाग का जो एक बंगला है, डाक बंगला, जो प्रमुख अतिथि आते हैं यहाँ घूमने के लिए तो उनको विश्राम के लिए व्यवस्था दी जाती है यहाँ पे। आपने मेरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? आप सब यहाँ आएँ और यहाँ आके इस पार्क का ज़रूर आनंद उठाएं। सभी को प्रणाम।